मैं हूं अली अब्बास। तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पे। बनाया जा रहा है आपके और जो ये मेडिकल कैंप का आयोजन किया है धर्मेंद्र जी ने, क्या कहना चाहेंगे, कितना सराहनीय कदम है ये? देखिए डॉक्टर धर्मेंद्र जी जो है ये मेरे ख्याल में जब ये कभी भी कोई अच्छी सोच लेके आते हैं हमारे पास पर ट्राई एंड कॉम्प्लीमेंट है बिकॉज ये सबसे मुश्किल काम है होल्डिंग हेल्थ कैंप ट्राई। ये भी एक सर्विस टू द नेशन है, सर्विस टू सोसाइटी तो है पर सोसाइटी भी नेशन के अंदर बिलोंग करती है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ ये, स्वच्छ वो, पर लोगों की हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए ना। इज अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय डॉक्टर धर्मेंद्र जी एंड मिकी जी एंड अभिषेक फ्रॉम प्राइम होकर। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी एफर्ट हमेशा एक फोर्स से चलती रहे और हम जैसे लोग हैं वी वुड वांट टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ ये जो सोशल कॉज इनका रहता है कि पीछे बड़े रहे आई एम एबल टू स्टार्ट आई विद इट आई लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम इज अ वेरी सोशल कॉज एंड आई फील सोसाइटी के अंदर ये सोशल फॉर एवरीबडी दी एलाइड पीपल कैन अफोर्ड बट देर आर पीपल हु कांट अफोर्ड। तो ये संस्था के थ्रू पीपल आर एबल टू यूज तो इट इज़ आई वेरी वेरी कॉम्प्लीमेंट्री। सबका पैसे बहुत होते हैं, जहाँ मेडिकल एक्सपेंस आए बोलो यार थोड़ा देना यार कम हो जाए तो डॉक्टर जो भी बोलता है वो करना पड़ता है। सो इट इज ऑल इन योर माइंड वॉट काइंड ऑफ मेडिकल एक्सपेंस यू वॉन्ट टू। आप कोई भी खर्चा कहीं भी कर लोगे, मेडिकल के ऊपर एक पैसे का प्रोविजन नहीं होता। तो आई फील के ये जो गैप है ऑन मेकिंग दिस फैसिलिटी अवेलेबल टू द पीपल हु डोंट हैव डीप पॉकेट्स हु फील के यार जितना फ्री में मिल जाए उतना अच्छा। सो ये एक सोच जो है आई वुड वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट दिस वॉक। इंसान सब सोच से बड़ा होता है, पैसे सब लोग कमाते हैं, आज मोदी जी का प्रचार इतना ज़्यादा है, लोगों की सोच बहुत बड़ी है, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे थॉटफुलनेस, अच्छाई के पीछे हर चीज़ छोटी पड़ती है। बोलते हैं ना अ डिसऑनेस्ट मैन डाइज एवरी डे बट ऑनेस्ट मैन डाइज ओनली वंस। आई नो मैं जो प्रीच कर रहा हूँ इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बी ऑनेस्ट ऑल द टाइम बट आई मेक अ मैक्सिमम एफर्ट टू सी दैट आई मेरी सोच अच्छी हो। तो ये मैं इनकी सोच की वजह से मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ एंड आई वुड वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ये जो हेल्थ है हमारे हेल्थ एक्सपोनेंट बोलो ये हेल्थ जो है ये भी अपने हेल्थ गुरु जो है तो ये अपना जो काम करते हैं तो इट दिस नीड्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज एंड ऑल्सो वन क्लैप फ्रॉम माई साइड। गॉड ब्लेस हिम ये जो कर रहे हैं ये बहुत बहुत बड़ा इनिशिएटिव। आई वॉन्ट टू क्लैप फॉर एंड गॉड ब्लेस देम। आई वुड वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विद देम फ्रॉम ईयर टू ईयर। इट्स नॉट माय बिकॉज ऑफ माय बर्थडे इज हैपनिंग इट इज बिकॉज ये काम शुरू हुई यार साल में एक बार करना है। तो मैंने जब भी आपको बॉम्बे बुक करना हो आई हॉकी एक काफ़ी कर चुके हैं हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आ चुका है कि जिन्होंने बहुत सेवा की है और ये करते रहेंगे। सो यू सी इनकी जो सेवा भाव है ये चलता रहे। आई वुड वॉन्ट क्लोज माय फिट होने के बाद ही ऑलरेडी सारी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, खाने पीने की चीज़ हो चाहे देखने की चीज़ हो। इसलिए हमने एक टैगलाइन बनाया कि स्वस्थ जिंदगी का एक किनारा स्वस्थ हमारा देश हमारा। उस कड़ी में तकरीबन हमने 25,000 से ज़्यादा मेडिकल कैंप करने में अभी तक हमारी टीम सक्षम रही है और उसमें तकरीबन 2,44,00,000 से ज़्यादा अभी तक हम लोग पेशेंट देखने में अभी तक हम लोग सक्षम रहे हैं क्योंकि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाइज कंट्री है और इसमें हेल्थ का GDP रेट अभी काफ़ी पुअर है। इसलिए हर एंगल से काम करने की ज़रूरत है, सिर्फ यह नहीं कि एलोपैथिक
सर्जरी या एलोपैथ मेडिसिन से और ये हम इस काम को पहुँच सकते हैं। इसमें योगा का उतना ही बड़ा रोल है जितना ही बड़ा कि एलोपैथ का है, उतना ही आयुर्वेद का हो, उतना ही होम्योपैथ का, उतना ही नेचुरोपैथ का, उतना ही सिद्धा का, उतना ही हर वीक का अपने आप में पहल करना बहुत जरूरी है, जिसके चलते हम हिंदुस्तान के एक स्वस्थता के एक चरम सीमा पर हम लोग ला सकें। और आज पूरा विश्व हमारे हिंदुस्तान के यूथ को देख करके आज इतना अट्रैक्ट है, और यूथ को फिट करना आज हमारे नैतिक जिसकी सिलसिले में हमने आज इस कैंप को ऐसे डिग्री में दो दिन के लिए रखा कि आज यूथ के पास डिग्री तो है, एजुकेशन है, लेकिन वो अपने यूथ किस रूप में इतना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो फिटनेस में हमने सोचा कि आज हमारे SNDT यूनिवर्सिटी में तकरीबन 9,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम को हम आग से लेकर के पूरे जितने भी सारे फिटनेस लेवल होते हैं उनको हम फिट कर सकें, ये हमारा आज का सोच का कड़ी था। आप इसमें इनफैक्ट कल हमारे दो पेपर हमारे बड़े भाई दोस्त जिनका बर्थडे था उस सिलसिला में हम लोगों ने इस जितने भी यूथ थे जो उनको हम लोगों ने सेवा देने में हम लोग कारगर हैं, और हमारे ये सिलसिला चालू रहेगा और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हिंदुस्तान की उस हर गली गली से जा करके हम लोग उस चीज़ को सेवा प्रदान कर सके। एंड मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि 17 सितंबर बाला साहब ठाकरे जी की पुण्यतिथि पे वो 93 ईयर्स के हो गए, 93,000 लोगों का वर्ली में महात्मा गांधी ग्राउंड में हम एक हमारा आयोजन चल रहा है जिसमें हम 93,000 तक लोगों का एक दिन मेहनत जी का विषय का कार्यक्रम हम प्लान कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सब लोग मिल करके धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास, तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर।